The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what is gout? Gout kya hai? See, gout is a type of arthritis. जो के हो रहा है आपके जॉइंट्स के ऊपर. आर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन. एंड हियर आर्थराइटिस यानी गाउट्स हो रहा है बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपके जॉइंट में जमा डिपॉजिट हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ दैट आपके जॉइंट और जॉइंट जॉइंट के आसपास के टेंडन्स लिगामेंट्स में इन्फ्लामेशन होता है. जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, दर्द होता है, लाल हो सकते हैं, पेनफुल हो सकते हैं और दैट इज गाउट. और गाउट बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है. इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड फॉर दैट मैटर ये एल्बो में ज़्यादातर वैसे बिग टो में होता है. पैरों में एल्बो रिस्ट फिंगर जॉइंट हरी जगह हो सकता है. पेनफुल होता है, कई बार आता जाता रहता है. द मेन रीज़न इज दैट योर बॉडी इज मेकिंग टू मच यूरिक एसिड. सो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बन रहा है. वन रीज़न कैन बी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. अदर रीजन्स हो सकते हैं दवा दारू और आपकी लाइफस्टाइल. जी हाँ, दवा जैसे कि डायूरेटिक ब्लड प्रेशर की मेडिसिंस, ब्लड थिनर्स, साइक्लोस्पोरिन्स, ऐसी कोई दवाएं जो और लाइफस्टाइल जैसे कि बहुत ज़्यादा मीट मच्छी खाना, बहुत ज़्यादा सी फूड खाना, बहुत ज़्यादा दारू पीना. जी हाँ, दारू में सबसे बुरी है बियर फॉर दिस पर्पस, जो यूरिक एसिड बढ़ाती है बियर. उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, हाइपोथायराइड, किडनी डिजीज, ये सब गाउट के साथ क्लोजली एसोसिएट है. मतलब इनमें सबके साथ गाउट देखा जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में. और गाउट के एपिसोड्स काफी बार इंजरी के बाद भी होते हैं. कोई छोटा मोटा इंजरी हो जाए, कोई ऑपरेशन हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके वजह से भी हो सकता है गाउट पोस्ट इन्फेक्शन गाउट. सो साइन सिम्टम क्या होंगे? पहले तो जैसे ही कोई गाउट का आर्थराइटिस अटैक आएगा, फ्लेयर होगा, तो सडनली आपके जॉइंट में सूजन, जलन, आपका जॉइंट सूज जाएगा, दर्द होगा, लाल हो जाएगा, दैट इज वन बिग साइन. और हिलाने पे ही, जॉइंट हिलाने पे दर्द होगा. बिग टो का पहले हो सकता है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ वाइट बम्प जो हो जाता है, जिसको कहते हैं टोफी बनाते हैं. टोफी क्रिस्टल्स, बेसिकली यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं. ये बम्प भी बन सकते हैं, बट बम्प पेनफुल नहीं होते, जॉइंट की मूवमेंट पेनफुल होती है. सो गाउट डायग्नोस करने के लिए हमें करना होता है आपके लैब टेस्ट और एक्सरेज. एक्सरे होगा जॉइंट का और लैब टेस्ट होंगे, यूरिक एसिड लेवल्स होंगे, किडनी फंक्शंस होंगे, आपके यूरिन में यूरिक एसिड्स कर सकते हैं, ब्लड में यूरिक एसिड कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली अदर पैरामीटर्स देखे जा सकते हैं, सीबीसी, ईएसआर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ट्रीटमेंट क्या होगा? जब पेनफुल एपिसोड चल रहा है तो उद्देश्य ट्रीटमेंट का गोल है कि वहाँ पे स्वेलिंग, रेडनेस, पेन कम किया जाए. और बाद में गोल होता है कि नए एपिसोड नया इन्फ्लेमेशन आए ही ना. सो ऐसे में पेन किलर, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिंस बहुत काम आती हैं. नंबर वन मेडिसिन इज कोल्चिसिन. जी हाँ, कोल्चिसिन या स्टीरोइड्स भी दिए जाते हैं कई बार अगर बहुत सीवियर आर्थराइटिस दिख रहा है. अर्ली गाउट के एपिसोड्स आते जाते रहते हैं और कई बार इनफ्रीक्वेंट होते हैं. ऐसे में जब जरूरत पड़े तब एनसेड्स और कोल्चिसिन यूज की जा सकती है. और अगर बार बार आ रहा है तो फिर आपको रूमेटोलॉजिस्ट बेस्ट पर्सन होते हैं जो उसको डील करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं. और इसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती जनरली, मगर दवाएं कभी कभी स्प्लिंट की उंगली को या जॉइंट को हिलने ना दिया जाए, कंप्रेशन थेरेपी भी यूज़ की जा सकती है स्वेलिंग और दर्द कम करने के लिए गाउट का. और अगर मान लीजिए जॉइंट काफ़ी ख़राब हो गया है और टेंडन भी दर्द हो रहे हैं, टूट से रहे हैं, तब जाके फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है. अगर आप गाउट को ठीक नहीं करोगे, अगर गाउट इज़ नॉट ट्रीटेड, तो उसका इन्फ्लामेशन बढ़ता जाएगा, जॉइंट टेंडन को डैमेज करता जाएगा, क्रिस्टल डिपॉजिट होते जाएंगे टेंडन्स में, टेंडन को, उसके ऊपर की स्किन को भी ख़राब कर सकते हैं. इसके वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है, टेंडन फट भी सकता है और वहाँ जॉइंट का फंक्शन पूरी तरह से आप खो भी सकते हैं. सो अपने डॉक्टर से बात करें,
कि ये क्या है और इसके लिए आपको क्या करना होगा. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि गाउट में क्या होता है. ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज, ये चीज होगी गाउट. गाउट के बारे में जानकारी फुल डिटेल में, आई होप यू गॉट इट. और काफी सारे लोगों को यूरिक एसिड हाई आता है, जिनको भी यूरिक एसिड हाई आता है वो गाउट के लिए यूरिक एसिड बेस्ड डाइट ले सकते हैं. नंबर वन थिंग टू अवॉइड इज, यस यू नीड टू टेक मिनिमम प्रोटीन्स, बट यू नीड टू अवॉइड अल्कोहल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्ट्रेस, एंड चेकआउट योर जेनेटिक्स. थैंक यू सो मच. डू चेक आउट माई अदर वीडियोज ऑन यूरिक एसिड एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर दिस कंटेंट. थैंक यू सो मच. डू आस्क योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी.